हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आज हम क्रिसमस कल है, हालेलुया, लेकिन मैं क्रिसमस का संदेश आपको आज दे रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कौन है, प्रभु क्यों आया धरती पर, हालेलुया, ये जानना बहुत जरूरी है। आमेन। कितने लोग उत्साहित हैं, हालेलुया। देखिए समय कितनी जल्दी बीत रहा है। अभी आप देखिए कि 2023 अभी शुरू हुआ था और अभी ख़त्म होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द यीशु मसीह आ जाएगा। आप सोच नहीं पाएंगे जब आप आकाश में लोगों को उड़ते हुए देखेंगे। विश्वास करिए वो दिन बहुत नज़दीक है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। ऐसे ही सब नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कलीसिया में आ गए तो हम चले जाएंगे, नहीं, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, सबका मेजरमेंट है। आप अपने कपड़े सिलवाते तो मेजरमेंट होता है ना, किसी दूसरे का कपड़ा तो आप नहीं पहन सकते, आपका मेजरमेंट का आपको कपड़ा पहनना है। इसीलिए अपना मेजरमेंट तैयार करिए, क्योंकि जब स्वर्गदूत आएगा तो आपको देखेगा, अपनी आत्मा को आपके अंदर देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को और बहुत समयों में कई लोगों की ये बात होती है कि हमने प्रभु को नहीं देखा। हालेलुया, परमेश्वर कैसा दिखता है। कई लोग अपनी अपनी मूर्तियां बना लेते हैं, ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। हालेलुया, इसलिए बाइबल वचन पर आधारित है, मूर्ति पर आधारित नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजना गलत है, पाप है। हालेलुया, तो किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा और तब से सदियों से एक जहन में बात आ रही है कि परमेश्वर दिखता कैसा है। हालेलुया, और आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, दुनिया की प्रार्थना को सुनता है, इसलिए उसने दुनिया की प्रार्थना को सुना और 2023 साल पहले मानव बनकर वो धरती पर आ गया। मनुष्य बनकर वो धरती पर आया और उसने बताया कि परमेश्वर ऐसा दिखता है। हालेलुया, परमेश्वर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम जल्दी से वचन निकालेंगे, लूका 2:10। हम परमेश्वर के उस दर्शन को, उस परमेश्वर के बात को, उस विचार को, उस सत्याई को, उस सत्य को हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर दिखता कैसा। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो क्यों जन्म लिया और उस जन्म से हमें क्या क्या मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चरवाहों को, जब चरवाहे चरवाही कर रहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, भेड़ों को, तो स्वर्गदूत वहां पर उतरा। देखिए क्रिसमस जो है वो कोई डेट नहीं लिखी हुई है, बाइबल में कोई डेट नहीं लिखी है कि क्रिसमस आपको कब मनाना है, लेकिन उस समय सर्दियों का मौसम था जब जब यीशु मसीह ने मरियम की कोख में जन्म लिया। हालेलुया, इसलिए वहां पर लिखा हुआ कि स्वर्गदूत चरवाहों के पास आए जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, आग ताप रहे थे। आगे बोलिए, दूसरा 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमेन। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमेन। हालेलुया, यानी कि यीशु मसीह से पहले उद्धार नहीं था, यीशु मसीह के जन्म से हमने उद्धार पाया है, हमने उद्धार को जाना है। पहले हम क्या थे? अगर आप यीशु मसीह से पहले का जीवन देखेंगे तो पापमय जीवन में आप गुजर रहे थे, एक पापमय जीवन आपके अंदर था और पाप के संग आप रोज पाप के संग गुजरते थे, पाप के संग रहते थे। लेकिन यीशु मसीह का जन्म हमें क्या बताता है कि जब वो आया तो उसने हमें पापों से मुक्ति की। हालेलुया, उसने हमें पापों से मुक्त किया, उसने हमें श्रापों से मुक्त किया, उसने हमें अपनी आत्मा दी, अपनी पवित्रता दी। हालेलुया, तो यीशु का जन्म बताता है कि यीशु मसीह के जन्म के बाद हम पापमय जीवन में, हम पापमय संसार में पाप रहित जीवन जी रहे हैं। आपको उत्साह नहीं मिला?
कोई उत्साहित नहीं हुआ। आप पता है यीशु के जन्म के बाद आपको क्या मिला? संसार तो पापमय है, पहले भी था और आज भी है, लेकिन आप चेंज हो गए हैं। आप, हेलो, ध्यान से सुनिए, आप इस पापमय संसार में पाप रहित जीवन जी रहे हैं। पाप के बिना आप इस संसार में हैं, जबकि संसार पाप वाला है। यह है यीशु मसीह का सामर्थ, यह है उसकी सामर्थ, यह है उसकी पवित्रता, यह है उसके आने का सबब कि यीशु मसीह क्यों आया। यीशु मसीह का जन्म हमें क्या देता है? यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में पवित्रता पैदा करता है। यीशु मसीह का जन्म हमारे दिल में रोशनी पैदा करता है और वो बताता है कि तुम कौन हो। यीशु मसीह का जन्म बताता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे यहां क्या करना है और मुझे कहां जाना है। आमीन, हालेलुया। जितने यीशु मसीह को नहीं जानते मेरे भाई बहन, वो कंफ्यूजन में है, क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे जीना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे गुजारना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म, वो कहता चरवाहे के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि मैं बहुत ही शांति और आनंद का सुसमाचार फैलाता हूं। यही जब उसकी व्यवस्था को पूरा करने के लिए जब मरियम और जोसेफ मंदिर में गए थे तो वहां शौमान नाम का एक आदमी मिला। 2:25 निकालिए, इसी का 2:25-26। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाण जोता रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। शांति, इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। हालेलुया। वो शांति की बाट जो रहा था, धर्मी था, वो जानता था परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी शांति आपको देकर गया। यूहन्ना 14:27 कहता है कि परमेश्वर यीशु की शांति आपके पास है, संसार की शांति नहीं है। यीशु की शांति क्या है? मैंने क्या बताया कि आप पापमय संसार में पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप पवित्र हैं, यह शांति है। चाहे आप कष्ट में हो, चाहे आप दुखों में हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर यीशु की पवित्रता आपके साथ है, यह सबसे बड़ी शांति है। आपकी शांति क्या है? कि आपने यीशु को पाया और आप स्वर्ग के स्वर्ग में जाने वाले बन गए हैं। आपकी शांति का सबसे बड़ा सबब यह है। आपका शरीर है, दुखाएंगे, बीमारियां आएंगी, कष्ट आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उन कष्टों में परमेश्वर होगा, यीशु होगा। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि आप जब ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो आपकी गवाही क्या होगी? आपकी गवाही क्या होनी चाहिए? सब लोग कहते हैं कि मेरे घर में आशीष हो, मेरा बच्चे अच्छे रहे, मुझे अच्छा बिजनेस हो जाए, मेरा अच्छा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, यही सब लोग चाहते हैं ना, कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो। आपकी टेस्टिमनी क्या है? जितने भी पुराने हमारे नबी हुए हैं, ये जिनको चुने हुए लोग हुए हैं, हालेलुया, उनकी टेस्टिमनी क्या थी? अगर डैनियल ऊपर जाएगा तो डैनियल क्या बोलेगा? कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता था और मुझे शेरों की मांद में भेज दिया और मैं शेरों की मांद में गया, मैंने वहां परमेश्वर को पाया, मैंने वहां यीशु को पाया, ये उसकी टेस्ट बनी है। शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछा जाएगा स्वर्ग में जाकर, भाई बताओ तुम्हारी टेस्ट बनी क्या है, तुम्हारी गवाही क्या है? कि साहब, मैंने नबूकदनेस्सर के सामने कहा कि मैं सिर्फ परमेश्वर को पूछता हूं और उसने मुझे आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन मैं डरा नहीं और वहां मैंने यीशु को पाया। ये है गवाही। हमारी गवाही क्या होनी चाहिए? आपकी गवाही क्या होनी चाहिए? यस, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मुझे नौकरी से निकाला गया यीशु मसीह के नाम से, लेकिन फिर भी मैं डटा रहा और यीशु को मैंने अपने जीवन में पाया। ये होनी चाहिए मेरी गवाही। मेरे जीवन में कोई कष्ट ना हो, ये गवाही नहीं है। उन कष्टों में देखिए, एक बात सुनिए, वो जो नाव से जा रहे थे, चेले नाव से जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा आओ हम झील के उस पार चलते हैं। हालेलुया।
चेलों की गवाही क्या थी बताइए। चेले नाव से जा रहे थे और आंधी आए, तूफान आया, और चेलों ने उठाया कि साहब यीशु मसीह हम मरे जा रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह उनके साथ था, वो सो रहा था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उठा, उन्होंने हवाओं को डांटा, लहरों को खामोश किया, प्रेज द लॉर्ड, और वो शांत हो गई। चेलों की गवाही क्या थी? उन्होंने तूफान आया तो उन्होंने यीशु के सामर्थ को देखा। आपके जीवन में मुसीबत आई तो आप यीशु के सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। हमें भागना नहीं है, हमें सामना करना है समस्या का, हमें विपत्तियों का सामना करना है, क्योंकि विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, चट्टान की तरह मजबूत होगी, लेकिन मेरा यीशु उस चट्टान से ऊपर है। यह है मेरी गवाही, यह है मेरी गवाही। 2 साल तक कोविड था, हम कमाने के लिए नहीं गए, लेकिन एक दिन भी हम भूखे नहीं रहे। हालेलुया। मेरी गवाही क्या है कि कष्टों में मैंने यीशु को महसूस किया। हालेलुया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने यीशु को अपने पास पाया। यह है मेरी गवाही। आपकी गवाही क्या है? अपनी गवाही को आसान मत बनाइए। नो, यीशु ने जन्म लिया है आपके अंदर। हालेलुया। कभी मत डरिए समस्याओं से, विपत्तियों से। आमीन। हालेलुया। देखिए, यीशु ने हमें जीना सिखाया है। बाइबल हमें जीना सिखाती है, हमें किस तरीके से जीना है। इफिसियों 4:15 पढ़िए। यीशु का जन्म हमें जीना सिखाता है कि हमें इस संसार में जीना कैसे है। हालेलुया। ध्यान से समझने की कोशिश करिए और ध्यान से सुनिए। वरन प्रेम सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आमीन। अब देखिए बाइबल क्या कहती है कि हमें सत्य बोलना है। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए। आप यीशु कौन है? सत्य, ज्योति, सत्य मार्ग, जीवन। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि हमें सत्य बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी हम जाएं हमें सत्य बोलना है। लेकिन वचन क्या कहता है 4:5-15 कि हमें सत्य प्रेम से बोलना है, तभी हम यीशु मसीह की देह में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन से अगर प्रेम निकाल देंगे तो प्रभु निकल जाएगा। हालेलुया। आप सत्य बोलते हैं, किसी पर दोष लगाते हैं। और सबसे बड़ी एक बात बाइबल क्या कहती है कि आपको तब तक किसी को समझाने का हक नहीं है, आपको तब तक किसी पर दोष लगाने का हक नहीं है जब तक आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। आपको तब तक किसी को समझाने का हक नहीं है जब तक आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। वचन कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप किसी के समझाने से, अगर आप किसी के काम से, अगर आप किसी के कार्य से भेदित होते हैं, खेदित होते हैं, आपको व्याकुलता आती है और आपका मन ठेस से होता है कि यार इस आदमी की वजह से ठोकर लगी मेरे, हालेलुया, तो बाइबल क्या कहती है, उसके लिए प्रार्थना करो। आप क्यों किसी को समझाएंगे? क्योंकि आप उससे खेदित हुए हैं, आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी है, इसलिए आप उसे समझाएंगे। लेकिन समझाने से पहले क्या आपने उसके लिए प्रार्थना की? आप समझ रहे हैं? हेलो। इसीलिए वचन कहता है कि प्रेम से सत्य बोलो। अगर आप सिर्फ सत्य बोलेंगे और प्रेम नहीं रखेंगे तो शैतान काम करेगा। आप घर में अपनी पत्नी को डांटेंगे, दोष देंगे, आपका समझाएंगे, शैतान काम करेंगे। अगर वही समझाने में आपका प्रेम होगा, अपनी पत्नी को समझाने में, अपने बच्चों को समझाने में, अपने पति को समझाने में, अगर आपका प्रेम होगा उस समझाने में, तो प्रभु आएगा। दोनों चीजें याद रखिए, आप ही शैतान को ला रहे हैं। याद रखिए कि आप कैसे वातावरण करें,
मसीह की देह में आप कब बढ़ेंगे? जब प्रेम से सत्य बोलेंगे। सत्य तो बोलेंगे आप, लेकिन प्रेम से सत्य बोलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या बताता है कि उसकी शांति हमारे जीवन में कैसे बनी रहेगी। वो शांति का सुसमाचार लेकर आता है। लूका 2:14 पढ़िए कि स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि आज से अब तक क्या होगा जो पहले नहीं होता था, वो अब कैसे होगा। 14 आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस शांति को वही समझ सकते हैं। यीशु के आने का मकसद आपके जीवन में शांति लाना है। यीशु को स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर रहा इसलिए ताकि आप उस शांति को जानें, आप उस जीवन को जानें। तब आप अपने जीवन को, तब आप वो सुकून और वो आनंद पा सकेंगे। आपको आनंद ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप शांति को महसूस नहीं करेंगे। और आप में शांति किस बात की है कि मैं इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय जीवन जी रहा हूं। आपकी शांति क्या है? जो स्वर्ग में आपको जीवन जीना है वो आप इस संसार में जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि उसको किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से उसने जीवन जिया। अगर लूका के पत्री हम पढ़ें तो वो 12 साल की एज में था जब वो मंदिर चला गया, उसके माँ बाप मंदिर लेके गए। पढ़िए आप लूका 46 पढ़िए, लूका 2:46। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के पश्चात उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के मध्य बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और सब लोग जो उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके उत्तरों को सुनकर दंग रह गए। और जब उन्होंने उसे वहां देखा तो चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा कि बेटा तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया है, देख तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढ रहे थे। और उसने उनसे क्या कहा, यीशु ने उनसे क्या कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। आमेन। यीशु का जन्म आपको बताता है कि आपको इस धरती पर करना क्या है, आपको कैसे रहना है। हम फिजूल में अपने बुद्धि को, हम फिजूल में अपनी ताकत का उपयोग करते हैं संसार के काम करने के लिए, हम प्रभु के काम नहीं करते। 12 साल की एज में यीशु मसीह कहां था? मंदिर में। और वो वहां के शासकों को, याजकों के साथ वाद विवाद कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, 2 चैप्टर पढ़ते हैं, समझते नहीं है और भागते हैं। आपने कभी महसूस किया कि यीशु मसीह ने जब उपदेश देना शुरू किया 12 साल में उनको पूरी बाइबल पता थी। बाइबल कहती है कि वो वाद विवाद कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्हें जवाब दे रहे थे। यानी कि यीशु मसीह को बाइबल पता था, व्यवस्था की, मूसा की पुस्तक पता थी उनको पूरी, तभी तो जवाब दे रहे थे वो। और वो लोग आश्चर्यचकित थे जिनको जवाब दे रहे थे कि इसको एक ज्ञान कहां से मिला इस बचपन में। आमेन। क्योंकि वो समर्पित था। हालेलुया। आप इतने महीनों से आ रहे हैं, इतने सालों से आप चर्चेज में आ रहे हैं, आपके पास ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस ज्ञान की तरफ अपना कॉन्सेंट्रेशन रखा ही नहीं, आपने उस ज्ञान को कीमत ही नहीं दी कि मुझे वो ज्ञान मिल जाए। आप सिर्फ चंगाई के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए ही अपने यहां प्रार्थना कक्ष में आकर या प्रार्थना करते हैं ताकि मेरी समस्याएं हल हो जाए, आप ज्ञान नहीं चाहते, मुझे नॉलेज मिले ये नहीं चाहते आप, मुझे पैसा मिले, मेरा धंधा अच्छा हो जाए। यीशु मसीह के पास ज्ञान था। हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह ने जीवन वो जिया है जो हमें जीना है, जो हमें जीना है। हालेलुया। इसी का आपका 51 पढ़िए, 51 दो का 51। तब वो उनके साथ गया और यानी कि यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के साथ गया आगे, और नासरत में आया और उनके वश में रहा, उनके अधीन में रहा। कितने साल तक? 18 साल तक। 12 साल का था, 30 साल में बपतिस्मा लिया, 18 साल तक यीशु मसीह उनके अधीन रहा, वश में रहा। क्या आप किसी के वश में रह सकते हैं? घंटा भी, एक दिन भी रह सकते हैं आप? वश में रहने का मतलब क्या हुआ? आप जिसके वश में हैं उसके अनुसार जीवन जीना है आपको, आप जिसके अधीन हैं उसके अनुसार जीवन जीना है। कभी कभी इंसान एक दो दिन तो जी लेता है, चलो ठीक है, शुरू शुरू में जब आती है पत्नी आती है तो दो तीन दिन तो चलो ठीक है, जो तुम कहो ठीक है। उसके बाद सोचती है मैं किस तरीके से प्लान करूं कि अब मैं जो कहूं ये माने। अब वो प्लान करती है, तीन दिन वो क्यों चुप रहती है, चार दिन वो अंदर से अंदर चुप नहीं, अधीन नहीं है वो, अंदर अंदर प्लान कर रही है कि मैं अब इनको कैसे नीचे लाऊं, कैसे लाऊं, कैसे मैं इनकी कमजोरी को पकड़ूं, कैसे इनकी कमजोरी को पकड़कर अपने वश में कर लूं। आप दुनिया को वश में करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास पैसा आ गया, अब जो मेरे नीचे काम करने वाले मेरे वश में, मैं दे रहा हूं पैसा, आप वश में करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा हुआ पुत्र था, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, वो मरियम और यूसुफ के अधीन था। यीशु मसीह सिद्ध था और अधीन किसके था? एक नॉर्मल इंसान लोगों के अधीन था। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति हमें क्या सिखाती है कि हमें उसकी इच्छा को पूरा करना, हमें उसके अनुसार चलना है, हमें जीना कैसे है। जिस दिन आप यीशु के अनुसार जीना शुरू कर देंगे, आपके अंदर अंधकार दूर हो जाएगा और आपके अंदर ज्योति रहेगी। और जब आपके अंदर ज्योति रहेगी मेरे भाई मेरी बहन, तो कोई भी पाप आपको कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी पाप आप पर कब्जा नहीं कर सकता। मतलब पाप आप करेंगे लेकिन उसमें लगातार बने नहीं रहेंगे। आप पाप करते ही आपको बोझ आएगा कि नहीं यार मैंने गलत किया यार, आप उसी समय माफी मांग लेंगे। और ये करना भी चाहिए, हेलो, उसी समय क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह ने एक चीज और बताई कि हमें उसी समय क्षमा करना है, उसी समय, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, हमें उसी समय क्षमा करना है। नहीं करेंगे क्षमा तो हम आशीष नहीं पाएंगे, नहीं करेंगे क्षमा तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य से वंचित रह जाएंगे। कभी आपको कांटा लगा है पैर में? कभी कांटा लगा है क्या? पाप पैर में कांटा लगा हो तो आप छोड़ देते हैं क्या? आप उसी समय निकालते हैं कि जख्म ना हो जाए। अगर पैर में कांटा लगा हो और आप छोड़ देंगे तो जख्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपने मान लीजिए किसी का दिल दुखाया है तो उसी समय क्षमा मांग लीजिए। वो हम नहीं करते, हम जानते हैं कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है लेकिन हम कहते नहीं नहीं नहीं, थोड़ा उसको नीचे आने दो। इमीडिएट अगर मैंने बोल दिया तो मैं तो उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा, नहीं नहीं ये तो मुझे मेरा फायदा उठाएगा। और यहीं पर हम गलती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्षमा करना भी है और क्षमा मांगनी भी है उसी समय। पति पत्नी के जीवन का सबसे सुख
सुखमय विचार यही है कि उसी समय क्षमा करो। रात को सोने से पहले पत्नी पति को क्षमा करे, पति पत्नी को क्षमा करे। अगर कुछ बात हो गई है आपके जीवन में जो है ना, आपका प्रॉब्लम, आपका जो सुख है, वो जो आनंद है, वो लॉन्ग रन तक बना रहेगा। कोई भी आदमी मुकम्मल नहीं है, कोई आदमी सिद्ध नहीं है, कोई औरत सिद्ध नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है कि जब हम किसी का दोष ना लगाते हुए उसे क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर का आशीष पाते हैं। हालेलुया। देखिए, सदियों पहले, 700 साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म की योजना की थी। यशाया 52 का 10 योजना की थी कि परमेश्वर कैसा है, क्या उसने किया था, और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है, उसके जन्म के द्वारा हमें क्या मिला है। यशाया 52 का 10, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चित देख लेंगे। हाँ, यानी कि यीशु मसीह को प्रकट किया है परमेश्वर ने, सारी जातियों के सामने यीशु मसीह को प्रकट किया है। आज से 2023 साल पहले, लेकिन उससे भी 700 साल पहले परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी। आगे, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चित देख लेंगे। देखेंगे जब आप उसके अनुसार आएंगे, जब आप उसमें आएंगे, जब आप उसमें बंध जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग उद्धार क्यों नहीं देख पा रहे मेरे भाई मेरी बहन? मैं आपको बताऊं, आज भी आज इंसान कहता है कलीसिया में कि मैं क्या करूं, मैं यीशु मसीह में क्या करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे जीवन जीऊं। आज भी आपकी समस्याएं हैं, आज भी आप कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं आप? पता है आपको, चर्च क्या है? बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च यीशु की देह है, हम कौन हैं? उसके अंग हैं। आप में से कई अभी तक इसकी देह के अंग पूरी तरह बने नहीं है, जुड़े नहीं है। संडे के संडे जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर चले जाते हैं अलग, फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं संडे के संडे, फिर अलग हो जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपकी डाली पर फल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं। कोई भी रिश्ता अगर धरती पर पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर नहीं होगा, वो रिश्ता पनप नहीं पाएगा। हालेलुया। वो रिश्ता पनप नहीं पाएगा। इसलिए आज जो चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप्स, लड़का लड़की साथ में रहते हैं बिना शादी किए, बहुत अच्छा रहते हैं, साल दो साल बहुत अच्छा। अरे साहब, तुम मेरे मैं तुम्हारा ही, बस यही गीत गाते रहते हैं। लेकिन जहां शादी होती है, जहां वो उसमें पूरी तरीके से जुड़ने की बात होती है, वहीं डिटैच हो जाते हैं, वहीं अलग हो जाते हैं, और फल नहीं आता है, नहीं आता फल, क्योंकि कंप्रोमाइजिंग स्थिति से आप कर रहे हैं प्यार। आपका जो मिलना है कंप्रोमाइजिंग है, अपने अपने रूल्स आपने अपने तय कर लिए हैं कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मैं ये करूंगा, आप ये करेंगे। आप कब जुड़ेंगे? किसी से जुड़ने के लिए आपको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, मुझे मेरा अहम खत्म करना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं। यीशु मसीह ने 18 साल तक अधीनता की, यानी कि 18 साल तक उसने अपना अहम खत्म कर दिया। नो, आई एम नथिंग, जो मेरी मां कहेगी, जो मेरा बाप कहेगा, वही करूंगा। आपको पता है कि उसके जो भाई थे उनका मजाक उड़ाते थे। आप समझते हैं कि साहब हमारे घर में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। जॉन निकाली, यूहन्ना निकाली, यूहन्ना 7 का 2, यहूदियों का त्यौहार अर्थात झोपड़ियों का पर्व निकट था, तीसरा, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से प्रस्थान करके यहूदियों में चला जा कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सकें जिन्हें तू करता है।
क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिप कर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हेलो, उसके भाई क्या समझ रहे थे कि ये कोई जादूगरी करता है, कि तू संसार में प्रकट करना चाहता है, चमत्कार करता कर। प्रभु नहीं मानते थे उसके भाई। आप सोचिए, 18 साल तक वो अधीन रहा अपने मां बाप के, और उसके बाद भी जा रहा था तो वहां पर रह रहा था, वो अपने घर में रह रहा था। उसका घर भी छोटा था, बड़ा ही था, वो 7-8 लोग रहते थे एक रूम में। परमेश्वर का पुत्र ऐसी जगह रहता था। आप सोचते हैं कि सर प्रार्थना कैसे करें पास्टर, हम लोग 6 लोग रहते हैं एक ही रूम में, कैसे प्रार्थना करें? ये मां सो जाती है, इधर बाप सो जाता है, उधर खराटे लेता है वो, और इधर ये सो जाती है और बच्ची सो जाती है, कैसे प्रार्थना करें हम? यीशु मसीह भी इस छोटे से रूम में ही रहते थे, छोटे से रूम में ही रहते थे। और मरकुस 1:35 कहते हैं कि वो सुबह सुबह उठ के चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए कि उसके जो भाई है उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन क्या यीशु मसीह ने अपना रास्ता चेंज किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई, आपका समर्पण, आपका प्रभु के लिए प्रार्थना करना, आपके लिए बाइबल पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये आप बहानेबाजी कर रहे हैं। यीशु मसीह जैसे आदमी को उसके भाई वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, विश्वास नहीं करते थे। आज आप लोग कहते हैं कि मेरे घर में यार मेरा पति विश्वास नहीं करता, क्या करूं? अरे मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती, क्या करूं? अरे मेरे बेटा पड़ोसी विश्वास नहीं करता, मैं क्या करूं? क्या करूं? आप तो करते हैं। अगर आपका विश्वास मुकम्मल है तो आप ये बोलेंगे ही नहीं कि मेरा पति नहीं करता तो मैं क्या करूं। नहीं, आपका विश्वास अगर कमजोर है तो ये सवाल आएगा, तो आप बहाने ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी ऐसा कर रही है, मेरा दामाद ऐसा कर रहा है। Praise the Lord। यीशु मसीह का जन्म हमें बताता है कि यदि हम मसीह में, 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि हम मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यीशु मसीह का जन्म आपको नई सृष्टि में लाता है, ताकि पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। यीशु मसीह का जन्म आपको नई बातों की ओर लेकर जाता है, नई चाल की तरफ लेके जाता है। बाइबल बताती है कि किस तरीके से पुरानी बातें बीत गई हैं, और ये सारी बातें कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है अपने आप से। 18:19 पढ़ो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई हैं। आपके जीवन में यीशु का जन्म बताता है कि आपके जीवन में सारी बातें नई हो चुकी हैं। आपकी आत्मा नई है, आपका मन नया है, आपकी सोच नई है, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, आप एक नए हैं, आप एक नई सृष्टि में हैं। महसूस आपको करना है। हालेलुया। जब तक गाड़ी में बैठकर आप ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, आप नहीं चला सकते। अगर संदेह रहेगा, पता नहीं इसका गियर डालूंगा चलेगी नहीं चलेगी, स्टीयरिंग सही घूमेगा कि नहीं घूमेगा, पता नहीं इसमें पेट्रोल है नहीं, पता नहीं इसका इंजन काम करेगा नहीं करेगा, तो आप गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हालेलुया। गाड़ी में बैठने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं चलाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, गाड़ी चलाऊंगा और लेके जाऊंगा, तो आप गाड़ी चला पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने आपको नई सृष्टि में नया कर दिया है। यीशु के जन्म ने आपको नया कर दिया है। स्वीकारना आपको है और उसके अनुसार चलना आपको है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? 18, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने आपकी ओर से नहीं है। आपने प्रार्थना नहीं की कि मुझे नया कर,
आपके पापों को परमेश्वर ने आपके लिए नहीं माफ किया है, उसने अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया ताकि आप शुद्ध हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं और पवित्रता के साथ जीवन जिए। इसलिए ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। आगे जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है, हमारे पास काम है मेल मिलाप की सेवा, मेल करना और लोगों का मेल करवाना, ये हमारा काम है। जब तक आप परमेश्वर के दिए हुए काम को करते रहेंगे, अभिषेक तेल आपके जीवन में बहता रहेगा। याद रखिए, वो विधवा जिसके पास तेल की कुप्पी थी और उससे एलिशा ने पूछा, तेरे पास क्या है, तेरा कर्ज कैसे माफ होगा, उसने कहा मेरे पास तेल की कुप्पी है। उसने कहा जितने बर्तन इकट्ठा कर सकती इकट्ठे कर ले और विश्वास के संग एक रूम में जा और उस तेल की कुप्पी को बाल्टी में भरना शुरू कर दे। उसने बाल्टियां भरी, जितना ला सकती थी लाई, तेल की कुप्पी भरती गई और वो कर्जे चुकाती रही। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। अगर आप सेवा में लगे रहेंगे, यीशु का अभिषेक तेल आपके जीवन में बहता रहेगा। अगर आप संसार पे भरोसा करेंगे तो आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप यीशु पर भरोसा करेंगे, आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा वो। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रभु को महिमा दीजिए। हर पल हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। उसने जो पिता है उसने आपके लिए क्या किया है, हर पल धन्यवाद की आत्मा से आप उसको बोलिए, उसने ये किया है। हालेलुया, आमीन। जितना आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जितना आप लोगों के सामने उसकी महिमा करेंगे, उसका सामर्थ आपके जीवन में उतरता रहेगा और आप परमेश्वर को जानेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। अब सोचिए, 18 साल तक वो अधीन था, उसने इमीडिएट उपदेश देना शुरू नहीं कर दिया। आजकल लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं उपदेश देना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, पहाड़ी उपदेश जब यीशु मसीह दे रहा था, धन्य है वो जो मन के दीन है, कितनी देर में उन्होंने तैयार किया होगा वो उपदेश। हेलो, 30 साल। आमीन। 30 साल से वो वचन में था, ऐसे नहीं बोल दिया। इसलिए पहाड़ी उपदेश कहता है पांचवा, कि उसने मुंह खोलकर बोला, सोच कर बोला, ऐसे नहीं बोल दिया। और सबसे बड़ी चीज है, वो उस पर चला, जो उसने बोला है वो काम किया। आप क्यों किसी को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों मेल मिलाप की सेविकाई में नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि आप वैसा जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आप वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं जो यीशु मसीह जीना था, जो यीशु मसीह चाहता है कि आप वो जिए। अगर मेरे अंदर यीशु का जन्म हुआ है तो मेरे अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी अंधकार नहीं है। अगर आप विश्वास, कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर है, कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके अंदर जन्म ले लिया है, तो आप अंगीकार करिए, बोलिए मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है, मेरे अंदर यीशु की ज्योति है, और उसी अंगीकार के संग चलिए आप। हालेलुया, उसी अंगीकार के साथ चलिए आप। जिस तरीके से आपके अंदर सांस है और उस सांस की वजह से आप धड़कन आप जी रहे हैं। हालेलुया, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आप जहां भी जाएं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, उसका सत्य का सामर्थ्य मेरे अंदर है, उसकी शक्ति मेरे अंदर है।
प्रेज़ द लॉर्ड, तब आपको झूठ नहीं बोलेंगे और तब आप किसी को समझाएंगे तो प्रेम से समझाएंगे, और किसी पर दोष लगाएंगे या किसी को समझाएंगे तो उससे पहले आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बहन अच्छी नहीं है, ये बहन ऐसा काम कर रही है, वैसा काम कर रही है, कोई बात नहीं, आप समझाना चाहते हैं पहले उसके लिए प्रार्थना करिए, तब आप उसको समझाइए। अगर आप बिना प्रार्थना करे समझाएंगे तो शैतान काम करेगा, वो आपको गलत समझेंगे। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु काम करेगा, हम कुछ नहीं है, कोई किसी गड्ढे में गिरा हुआ है तो कोई किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर गड्ढे में से निकालना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म हमें ज्योति देता है, अंधकार से निकालता है। यीशु मसीह का जन्म हमें बताता है कि शैतान कौन है, वो कैसे काम करता है और प्रभु कैसे काम करता है। यीशु मसीह का जन्म हमें पापों से मुक्त कराता है। यीशु मसीह का जन्म हमें बताता है कि जो सदियों और पीढ़ियों हमारे ऊपर जो श्राप था वो यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो चुका है। यीशु मसीह का जन्म हमें बताता है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। यीशु मसीह के जन्म हमें बताता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस सिर्फ मिठाई खाने और खाना खाने का मकसद नहीं है, क्रिसमस जानना जरूरी है कि यीशु मसीह क्यों मरा और यीशु मसीह के जन्म में, यीशु मसीह का जन्म मेरे अंदर क्या करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने पड़ोसी से आज जाके कहिएगा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अगर आपका पड़ोसी के अंदर यीशु नहीं है तो उसके अंदर यीशु लाइए, लेकर आइए, कल क्रिसमस का है, लेकर आइए सबको, कम से कम दो दो आत्माओं को लेकर आइए, अहद करिए। आज घर जाते समय घर में मत बैठिए, आराम मत करिए, जाइए अपने पड़ोस में, भाइयों से मिलिए, बहनों से मिलिए, अपने अंदर बोझ पैदा करिए कि नहीं मैं कम से कम दो दो आत्माओं को तो कल लेकर आऊंगा जिनको प्रभु की जरूरत है। ये अपने अंदर बोझ रखिए कि मेरे द्वारा इनको आशीष मिले, मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूं, जो सुख मुझे मिला है वो इनको भी मिले। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यीशु ने यही सिखाया है। लेकिन अपने समान कब प्रेम करेंगे, जब आप अपने आप को भूलेंगे, जब आप अपने आप को भूलेंगे तब आप प्रेम करेंगे। जब आप अपने पड़ोसी के सामने अहम नहीं रखेंगे, उसके सुख को अपना सुख कैसे समझेंगे, जब आप उसके दर्द को अपना दर्द समझेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, यीशु का जन्म हमें नया जीवन देता है। यीशु का जन्म बताता है कि हम स्थिर रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। आज का वचन आपको अच्छा लगा, एक साथ बोलिए यीशु मसीह की जय। एक साथ बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया।